मैं हूं सहर बलोच और आप देख रहे हैं बीबीसी उर्दू का कोरोना वायरस से मुतालिक बी बी सी उर्दू ने एक नया इजाफा मोबाइल बुलेटिन का किया है जिसके तहत आप अपने मोबाइल फोन से डबल फोर सेवन फोर सेवन फोर मिलाकर खबरें सुन सकते हैं इस कॉल की कीमत तीन रुपए फी मिनट है बुलेटिन की बढ़ते हैं और शामिल करते हैं पाकिस्तान से खबरें पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर होने अफराद की तादाद में बढ़ते इजाफे के बरक्स मुल्क के वज़ी इमरान खान ने मुकम्मल लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया है इसी बारे में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी एनसीओसी ने 28 अक्टूबर को जारी करदा कवायद व जवाबित की पाबंदी करने पर ज़ोर दिया है एक रोज़ पहले वज़र अजम से ब्रीफिंग के दौरान एन ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन को जारी रखने का फ़ैसला किया था इसी सिलसिले में जारी एक अलामिया के मुताबिक वज़ी अज़म ने लोगों के रोज़गार का ख्याल और पाबंदियों के मुनफाना इतलाक़ पर जोर दिया है अगर आदा शुमार देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद तीन लाख सैंतीस हज़ार तक रिकॉर्ड की गई है जबकि मुल्क में कोविड से अब तक छः हज़ार आठ सौ सड़सठ अमवा हो चुकी हैं अगर पिछले चौबीस घंटों के आदाशुमार देखें तो इस दौरान मुल्क में एक हज़ार तीन सौ तेरह मुतासरी सामने आए हैं जबकि इसी दौरान अट्ठारह अमवात रिकॉर्ड की गई है दूसरी जानब सूबा सिंध का शहर कराची और पंजाब का शहर लाहौर मुतासरी के एतबार से सबसे ज्यादा शहर पाकिस्तान की हुकूमत ने मंगल के रोज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के साथ कोविड की रोकथाम के लिए 20 लाख डॉलर का माह किया है ये माहा एशिया पैसिफिक डिज़ास्टर फंड के तहत पाकिस्तान को दिया गया है इस ग्रांट के तहत पाकिस्तान को जान बचाने वाली अद्वियात और सामान मुहैया किए जाएंगे अब अगर दुनिया भर की جانب બઢે તો અમેરિકા કે સદર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ને સદારતી ઇંતખાબ કે બાદ મુલક કે માહિર ટેબ ડોક્ટર એન્થની ફાઉચી કો નોકરી સે હટાને કા અહેદ કિયા હૈ ઇસસે પહેલે ભી સદર ટ્રમ્પ ઓર ડોક્ટર ફાઉચી કે દરમિયાન મુલક મે કોવિડ કી રોકथाम કે બારે મે મુખતલીફ તનાઝિયાત સામને આયે થે ઇસ વક્ત અમેરિકા દુનિયા કા સબસે જ્યાદા મુતાસિર મુલક હૈ જહા કોવિડ કે મુતાસિરિન કી તાદાદ તેજી સે બઢ રહી હૈ જબકે મુલક મે मंगल के रोज़ लोग सदारती इंतब में अपना वोट डालने मुख्तफ बैलेट पॉइंट्स पर भी पहुँच रहे हैं तहम मुख्तलि रियासतों से अब भी केसेज बढ़ने की रिपोर्ट सामने आ रही हैं अगर बहरीन की बात करें तो बहरीन में कोविड की वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्कर्स पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है इससे पहले मुतहदा अरब इमारात ने माह सितम्बर में इसी वैक्सीन का इस्तेमाल उन लोगों के लिए ज़रूरी करार दिया था जिनमें कोविड लगने का इमकान ज़्यादा था इस वक्त अगर दीगर अरब ममालिक वैक्सीन के ट्रायल्स देखें तो मिस्र बहरीन और जॉर्डन में वैक्सीन का ट्रायल तीसरी फेज तक पहुँच गया है यह वैक्सीन चीन की बायोटेक कंपनी और अबूजेबी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पार्टनरशिप के तहत तैयार की जा रही है दूसरी जानब तुर्की के सदर रजब तैयब अरदवान ने रेस्टोरेंट, शादी हॉल सिनेमा और सैर तफरी के दीगर मकामा रात दस बजे तक बंद करने का हुक्म दिया है सदर अरदवान की जानब से यह फ़ैसला हालिया दिनों में मुल्क में बढ़ते केसेस के पेश नज़र लिया गया है सदर अरदवान ने काबी के अजलास के बाद मीडिया से गुफ्तु के दौरान इन नई पाबंदियों के बारे में बात की अब अगर यूरोप की बात करें तो इस वक्त वहाँ मुतासरीन की तादाद एक करोड़ दस लाख तक पहुँच चुकी है ता ऑस्ट्रिया और यूनान ने जल्दी दुकानें और कारोबार बंद करने का फ़ैसला किया है जबकि ऑस्ट्रिया ने जहां पीर को होने वाली शूटिंग के वाक़े के बाद मुल्क में जुजवी लॉकडाउन नाफिज कर दिया है वहीं यूनान ने मुल्क के बड़े शहरों को बंद करने का फ़ैसला किया है इससे पहले भी माहरी यूरोप में बढ़ते हुए केसेस को रोकने की तरफ बारह तो दिलाते रहे हैं अब अगर दुनिया भर में कोविड की मजमू सूरत हाल देखें तो इस वक्त चार करोड़ तिहत्तर लाख अफराद कोविड से मुतासर हैं जबकि कोविड के बायस बारह लाख अमवात रिकॉर्ड की गई हैं फ्रांस में एक तरफ लॉकडाउन का नफाज किया जा रहा है वहीं दूसरी जानब फ्रांस की हुकूमत कोविड से निमटने के लिए बनाए गए कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों से परेशान है रवा साल अप्रैल में फ्रांस ने कोविड से निपटने के लिए सख्त इकदाम किए थे जिनमें लॉकडाउन भी शामिल था लेकिन हुकूमती तर्जमान गैब्रियल अटाल ने एक बयान में कहा कि यह उन लोगों के साथ ज़्यादती है जो कवायद की मुसलसल पाबंदी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बाकी लोग इन कवायद पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर रहे इसी बारे में ख़बर रसाएँ अदारे रॉयटर्स के मुताबिक हर तीस सेकेंड में पेरिस का एक शहरी कोविड से मुतासर हो रहा है इसके साथ ही इस खसूस बुलेटिन का वक्त भी ख़त्म हुआ अगर आप कोरोना वायरस से मुतिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं बी बी सी उर्दू की वेबसाइट जहाँ कोरोना वायरस से मुतल मालूमती वीडियोज़ और तहरीरें मौजूद हैं अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजस के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं हमारी कोशिश होगी कि आपके तमाम तर सवाल के जवाब माहरीन की आरा की रोशनी में दे सकें आप अपना ख्याल रखें और महफूज रहिए